हरे कृष्ण बच्चों, वेलकम बैक। क्लास 10th यूनिट 3rd दो चर वाले रैखिक समीकरण हम कर रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, राइट। और 3.6 में हम पहुंच चुके हैं। 3.6 का सेकंड क्वेश्चन में आपके पास तीन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो तीनों स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है वो। कई बार आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड के एग्जाम में, वो बोर्ड वाले कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर हो। तो यहाँ पर मैं आपका ये जो पहला क्वेश्चन है टू सेकंड का, जो फर्स्ट पार्ट है ना, इस वीडियो हम यहाँ पे कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आई होप कि आपके पास ये दोनों क्वेश्चन जो आपके दो पार्ट और बचेंगे उस वीडियो हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखते हैं पहला, ये जो सेकंड पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो कैसा है और किस तरीके से करते हैं। देखो यहाँ पर, देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है, आपको कंसेप्ट समझने का प्रयास करना है, और उसके माध्यम से आपको क्या करना है कि एक लीनियर इक्वेशन जनरेट करना है, दो लीनियर इक्वेशन, और फिर उसको सॉल्व करना है। उसे सॉल्व करोगे तो फिर आसानी से, फिर आप अगर आपने सही तरीके से पढ़ा और दो लीनियर इक्वेशन सही जनरेट कर दिया आपने, सही दो लीनियर इक्वेशन आपने बना दिया, तो फिर आपका सही आंसर आना बिल्कुल पक्का है, ठीक है ना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। तो कहते हैं देखिए, एक ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, बिल्कुल सही बात है। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करने। देखो यहाँ पे आपको समझना है पहले कि जो अनुकूल क्या होता है और ये आपके पास प्रतिकूल क्या होता है। देखो बेटा, जैसे कि क्या हुआ कि जैसे कि मैं आपको समझाऊं कि देखो यहाँ पर मान लो ये आपके पास एक नदी है ना, एक नदी है ना, समझ को ये आपके पास, तो नदी का जो बहाव है ना, नदी का जो बहाव है वो इस तरफ की तरफ आगे तरफ जा रहा है। और अगर ऋतु भी है ना, और जो ऋतु लड़की है वो भी अगर इसी तरफ तैर रही है ना, ये बहाव है कि पानी का बहाव भी इधर ही है, उधर की तरफ ही है, और ऋतु भी क्या कर रही है, इधर की तरफ ही तैर रही है, तो हम बोलेंगे कि वो क्या कर रही है, वो कहाँ पे है, वो अनुकूल दिशा में है। किस में है, अनुकूल दिशा में, अनुकूल दिशा में तैर रही है, यानी पानी का बहाव भी उसके उसके तैरने के प्रति अनुकूल है, उसको अनुकूल स्थिति प्रदान कर रही है कि पानी जिधर बह रहा है और ऋतु भी उधर ही की तरफ तैर रही है, तो अनुकूल स्थिति हो गई आपकी उसके लिए, ऋतु के लिए। और प्रतिकूल स्थिति क्या हो गई कि पानी का जो बहाव है वो उधर है और जो ऋतु है वो उधर की तरफ तैर रही है, यानी बहाव उधर है और ऋतु बिल्कुल जो बहाव है उसके विपरीत दिशा की तरफ तैर रही है, पानी उधर बह रहा है और ऋतु उधर तैर रही है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा करे सिचुएशन तो ये ऋतु के लिए क्या होगा, प्रतिकूल स्थिति होगी। तो इन दोनों बातों को आपको समझना है, तो अनुकूल और ये प्रतिकूल, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि जब जो क्वेश्चन होता है ना, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल किसकी, ऋतु की। तो यहाँ पर ये एक तो जो क्वेश्चन पूछा जाए वही चीज मान लेते हैं, माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल, ठीक है जी। तो ये आपके पास यहाँ पर ये क्वेश्चन होगा क्या, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अच्छा, ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल, यहाँ पे धारा की चाल भी मान लेंगे हम, धारा की चाल हो जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पे वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अनुकूल दिशा और प्रतिकूल दिशा के बारे में लेंगे, ठीक है ना। अनुकूल दिशा में तैरने की चाल, देखो ये चार लाइन आपको यहाँ पे पहले ही लिख लेना है, ठीक है। तैरने की चाल क्या हो जाएगी बेटा, अनुकूल दिशा में क्या हो जाएगा, देखो कि जो अनुकूल दिशा में क्या होगी कि उसकी चाल को ना, किसकी, ऋतु की चाल ही है, और उसकी चाल को ये धारा है वो सपोर्ट करेगी, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या प्लस का निशान डालना है, क्योंकि जो ऋतु तैर रही है और जो धारा की चाल उसको सपोर्ट करेगी तो उसकी चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस का निशान लगाना है। और प्रतिकूल दिशा में तैरने की चाल, और यहाँ पे क्या होगा, जो ऋतु तैर रही है ना एक्स, तो यहाँ पे बीच में लगाना है माइनस निशान, क्यों, क्योंकि जो ऋतु की चाल है उसको ये धारा क्या करेगी, उसकी चाल को कम करेगी, कम करने का मतलब माइनस, कम करेगी ना, वो जिस स्पीड से तैरना चाहती है धारा क्या करेगी, उसके स्पीड को, क्योंकि वो इधर तैर रही है और पानी इधर बह रहा है, ये इधर तैर रही है, तो क्या करेगी धारा, क्या करेगी, उसकी स्पीड को रोकेगी, है ना, तो उसके स्पीड को कम करेगी, इसलिए यहाँ पे बीच में माइनस का निशान आ जाएगा प्रतिकूल दिशा में, ठीक है। तो एक्स माइनस में वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। प्रश्न अनुसार आप यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्थितियां पैदा करेंगे हम,
प्रश्न अनुसार पहली अवस्था में, पहली अवस्था में ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे क्या है, कहता है ऋतु धारा के अनुकूल दिशा 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो देखो ये तो हो गया दूरी, ये क्या हो गया दूरी, तो दूरी 20 किलोमीटर दूरी और किसमें अनुकूल दिशा में, तो अनुकूल दिशा के लिए ये वाली लाइन है, अनुकूल दिशा में तैरने की चाल आपके पास x प्लस वाई है ना, तो दूरी बटा क्या हो जाएगा, ये चाल हो जाएगा, दूरी बटा ये दूरी होगा, ये चाल होगा, तो 20 x + y। और कितना समय लगता है अनुकूल दिशा में इसको 20 किलोमीटर तय करने में, 2 घंटे लगते हैं। कितने 2 घंटे, तो क्यों देखो दूरी बटा चाल अगर आपको पता हो, अगर आपको कंसेप्ट पता हो कि ना, हाँ तो आपके पास जो दूरी का जो फार्मूला होता है बेटा है ना, अगर आपने छोटी क्लास में अगर पढ़ा हो, दूरी दूरी क्या होती है कि चाल गुना समय है ना, चाल गुना समय। तो अभी आपके पास क्या है कि आप यहाँ पे ना समय को, आप क्या, अगर मैंने समय को उधर रखा हुआ है, देखो ये समय रखा हुआ है, तो ये जो चाल है वो क्या हो जाएगा बेटा, ये चाल इसके बटे में, दूरी के बटे में आ जाएगा, तो ये दूरी बटा चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये समय हो गया ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई किया गया। अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 बनाएंगे, तो यहाँ से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स प्लस में वाई इक्वल टू क्या होगा, 20 हो गया, और ये गुना में वापस बटे में आएगा, तो ऐसा कह सकते हैं कि एक्स प्लस में वाई इक्वल टू ये 20 बटे में 2 बटे में आएगा, तो 10 आ जाएगा, तो यानी x प्लस में y आपके पास आ गया 10। समीकरण नंबर क्या होगा, 1। अब दूसरी अवस्था में क्या है, दूसरी अवस्था जो दूसरा कंडीशन दिया हुआ है बेटा, वो आपके पास ऐसा दिया हुआ है कि देखो उसके नीचे 1 माना था मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, क्रॉस 2 से ऐसे मल्टीप्लाई कर और 1 से ऐसे करेंगे, तो इस तरीके से आ जाएगा, इसके नीचे 1 मानकर ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको समझना है। अब दूसरा जो कंडीशन वो कहता है प्रतिकूल दिशा में 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर, देखो वो 2 घंटे 20 किलोमीटर, क्योंकि जिधर पानी बह रही थी उधर ही ऋतु भाग तैर रही थी, तो पानी भी सपोर्ट करता, तो उसने 2 घंटे 20 किलोमीटर तय किया। लेकिन अब क्या है कि अब उसका जो रफ्तार है, वो जो दूरी है, वो सिर्फ 4 किलोमीटर तैर कर मतलब तैर पाती है, क्योंकि धारा जो विपरीत दिशा में तैर रही, तो विपरीत दिशा तो 4 किलोमीटर लिया मैंने दूरी, और प्रतिकूल दिशा में तैर रही तो उसकी चाल क्या, एक्स माइनस में भाई, तो एक्स माइनस में भाई, तो दूरी बटा चाल इक्वल टू क्या होगा, वही समय तो कितने 2 घंटे, तो बराबर 2 घंटे ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं, इसके नीचे 1 मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर वही कंसेप्ट लगा, दूरी बराबर चाल गुना समय है ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये होगा 2x - y, और ये होगा देखो इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 मान रहे, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 4 आएगा, 4 × 4, तो x माइनस में वाई बराबर क्या होगा, 4/2, इसे जब काटेंगे आप तो x माइनस में वाई बराबर आ जाएगा 2। समीकरण नंबर क्या होगा, 2 होगा ठीक है। अब इसको आप किसी भी मेथड से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो है ना, यहाँ पे हम वैसे भी एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करें, तो लिखेंगे मैं लिखूंगा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर ठीक है। तो 1 और 2 को जोड़ा मैंने, तो ये हो गया देखो x प्लस में y, तो यहाँ पे होगा देखो x माइनस में y आपके पास, ये दूसरा समीकरण है, इसको जोड़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि देखो एक प्लस का एक माइनस का y पहले से बराबर है, तो जोड़ तो निशान नीचे चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती मेरे को, ये कैंसिल हो गया, x और x क्या हो गया आपके पास 2x हो गया, और 10 और 2 कितना हो गया, ये 12 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12/2 हो जाएगा बेटा, और इसे काटोगे तो ये आ जाएगा 6 किलोमीटर, 6 आ गया ठीक है ना, तो ये आपके पास 6। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे, जो x निकला है वो निकला है ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल निकला है, अब हमें y की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा x का मान समीकरण किस में रख दूं मैं, 1 में रख देता हूँ ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में अगर जब हम रखेंगे तो समीकरण 1 हो जाएगा, देखो x प्लस में y बराबर 10 है, तो यहाँ पर आपने x की वैल्यू रखा 6 है ना बेटा, तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस में प्लस आगे ये 6 इधर अगर क्या हो जाए माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 4 है ना, तो ये x क्या माना था बेटा हमने, ऋतु की स्थिर जल में 4, तो यहाँ पे आप फाइनल लिख सकते हो, अतः ऋतु की स्थिर जल में चाल, तो ऋतु की स्थिर जल में जो चाल है वो क्या है आपके पास 6 किलोमीटर प्रति घंटा, वो ऋतु जो है वो 6 किलोमीटर तैर पाती है 1 घंटे में है ना, और धारा की चाल क्या है बेटा आपके पास, धारा की चाल, तो धारा की जो चाल है वो जो पानी बह रही है अपनी रफ्तार में वो क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो बह रही है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और बिल्कुल आपको इसी तरीके से आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको एग्जाम में करके दिखाना है, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन में आपको समझाने में थोड़ा समय लिया है, लेकिन मेरी कोशिश रही है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए और ताकि आप एग्जाम अच्छे तरीके से सॉल्व करवे ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों सबको शेयर करो ठीक है, ताकि सबको हेल्प मिल पाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने देख लिया बस चुप, ऐसा नहीं, जो भी आपके पास आपके फ्रेंड्स हैं उसको भी दिखाओ, उसको भी बताओ, ताकि वो भी इस वीडियो से इसको भी क्या मिल पाए, फायदा मिल पाए ठीक है ना। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद,
और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।